शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बस बस, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो तीन साल जो हम आज तीन साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्ला नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका के, और एक उसके अलावा हाँ यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं। यहां हमारे हमारे मिनिस्टर्स सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, अब मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं अब माइक, उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, हमने सारी कैंपेन की जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है, ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर इब्रार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह, मैं दाद देना चाहता हूं, बड़ा वर्सटाइल है आपका टैलेंट। और अब मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका क्या जमान सब देने का। अच्छा जी, मैं ये तीन साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी, हमारी आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में, तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलहदा भी है यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बचाना, आराम से सुननी है मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम पांच वक्त की नमाज में, वो कई पांच वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी, उस रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में है, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज पांच वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है? वो सबसे अल्लाह के महबूब
सबसे अजीम इंसान जो कभी ना इस तरह का अजीम इंसान आया है और ना आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझने की बात है, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो तो अल्लाह बेनियाज है, ये सिर्फ वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो अल्लाह ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, खास तौर पर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है इस चीज का समझना कि हम जब उनके रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी अजमत के रास्ते पे जाते हैं। और जब अभी ये सारी जो स्ट्रगल की वीडियोस दिखाई गई हैं कि हमारी, और वाकई बड़ी लंबी स्ट्रगल है, 25 साल और 22 साल पहले इक्तदार के बाहर, तो ये मेरी इंस्पिरेशन क्या थी स्ट्रगल की, ऐसे ऐसे वक्त थे जबकि 5-6 लोग रह गए थे जो एक्टिव पार्टी में रह गए थे। एक वक्त ऐसा था कि पार्टी सुकड़ के 5-6 लोगों की रह गई थी, बाकी घरों में बैठ गए थे। और ऊंच नीच आती है हर तंजीम में, इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती है, और वो जो बुरा वक्त था और जब लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि जी हमें शर्म आती है, हम जब घर जाते हैं हमारा मजाक उड़ता है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ में हैं। कई मेरे लोग, मेरे अपने, बल्कि यहां भी एक दो बैठे होंगे जिनको याद होगा कि वो जब घर जाते थे तो उनकी बीवी क्या कहती थी जब वो कहते थे मैं तहरीक-ए-इंसाफ में हूं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन, सोचे ना, मुझे, मैं एक इंसान जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, बड़ा नाम था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, तो सोचे कि मुझे ये बार बार ये सुनना पड़ता था, मजाक उड़ाते थे लोग। कई लोग वैसे ही क्रिकेट के दिनों में मेरे खिलाफ हुए थे, क्योंकि वो जेलसी होती है ना, जो कामयाब इंसान होता है उसे लोग जेलस होते हैं, तो वो उनको मौका मिल गया कि अच्छा जी अब तो ये नीचे आया तो उसको बुरा भला कहो। देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज में देखता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह के हबीब थे, इंसान जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह पसंद करते थे, तो अगर अल्लाह उनको 13 साल, उनकी जिंदगी अगर आप स्टडी करें तो कितने मुश्किल वक्त से वो गुजरे थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको, कामयाब थे वो, खुश थे, कामयाब बिजनेसमैन थे, ताजर थे, कोई उनको जरूरत नहीं थी, सारे इज्जत करते थे, सादिक और अमीन थे, फैसले कराने के लिए सारे उनके पास जाते थे। तो एकदम जब वो राय हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, क्या क्या नहीं किया उनसे, और वो कितनी तकलीफ से गुजरे। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी से सीखता था, क्योंकि हमें कुरान में हुक्म था, और ये आप सबके लिए, और मैं खास तौर पर अपने यूथ के लिए कहना चाहता हूं, देखिए ये जो दो रास्ते हैं कि उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, तो क्या वो नेमतों का रास्ता आसान रास्ता है? अगर आसान होता तो सबसे ज्यादा नेमतें तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी थी, तो उनका तो बड़ा मुश्किल रास्ता था। कहने का मकसद ये है कि जो एक कुरान की एक आयत है कि जिसको तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, वो कई दफा तुम्हारे लिए बुरा है, और जिसको तुम बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये कि कभी भी बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। जब मैं पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पहली बात की कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त क्योंकि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी मुश्किल वक्त देखे हैं। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि सारे मुल्क में टॉप 11 खिलाड़ियों में आओ, फिर दुनिया का मुकाबला करो, तो वहां तो ऊंच नीच होती है, हार जीत होती है, कई दफा लोग तालियां बजा रहे हैं, वही आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो सारा स्टेडियम तालियां बजा रहा है, और वो आप 0 पे आउट होकर वापस आ रहे हैं तो वही 2 मिनट में स्विच करके आपको गालियां निकाल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपका। तो ये ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा, और जो स्पोर्ट्स हैं
ये सबसे ज्यादा आपको तैयार करती हैं स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि मुसलसल स्ट्रगल है, या आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। तो इसलिए जब पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। जो भी इंसान राय हक पे खड़ा होता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भी अल्लाह ने पैगंबर दुनिया में भेजे उस सारों ने मुश्किलों का सामना किया, और वही आप मांगते हैं वो रास्ता। लोग चाहते हैं आसानियां, लेकिन रास्ता मांग रहे हैं नेमतों का, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको ये तैयारी करना चाहता हूं कि देखें, ये कभी ना समझें कि जब मुश्किल वक्त आता तो रोना धोना शुरू कर दें और मुश्किल वक्त आया क्यों। वो तो अल्लाह का एक निजाम है, ऊंच नहीं। और जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप मुश्किल वक्त को सही तरह समझ लें और एनालाइज कर लें, तो वही आपका अरूज का रास्ता बन जाता है। जब एक खिलाड़ी, मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकल गया, क्योंकि जब मेरा मुश्किल वक्त आता था, मैं फेल होता था, तो मैं उसका पूरा तज्जिया करता था। रात को सोता नहीं था जब तक मैंने ये ना समझ लिया हो अपनी जेहन में कि क्या मैंने गलतियां की। गलतियां जब मैं ठीक करता था तो मैं पहले से बेहतर हो जाता था। और यही है एक ही तरीका ऊपर जाने का। कोई भी दुनिया में किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। ये कोई नामुमकिन है कि कोई उठ के एकदम सीधा एक पर्ची पकड़ के और लीडर बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको जब तक एक मुश्किल स्ट्रगल से आप नहीं गुजरते, किसी चीज में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी लीडर आज तक शॉर्टकट लेके नहीं बना। कायदे आजम की स्ट्रगल देखें, मैं तो एक लीडर मानता हूं पाकिस्तान का, कायदे आजम, और उनकी कभी स्ट्रगल देखें कितनी थी, जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया है, और आखिर में जो बीमारी के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया है, इसलिए आज, और अपनी जात के लिए नहीं किया, एक बड़े मकसद के लिए किया। तो आज तक और जब तक पाकिस्तान रहेगा, लोग कायदे आजम को दुआएं देंगे। तो इसलिए कोई भी आज दुनिया में लीडर उठा दें, वो एक स्ट्रगल करके ऊपर आता है। और स्ट्रगल होती ऐसे है कि जब आप नीचे आते हैं, आप हाथ नहीं खड़े कर देते, आप देखते हैं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, फिर उनके ऊपर मेहनत करते हैं, वो गलतियां दूर करते हैं, और फिर पहले से ज्यादा आप ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो 3 साल थे हमारे, बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। मुश्किल साल इसलिए गुजरे कि पहले तो मुल्क को बैंकक्रप्ट करके चले गए। मुल्क में जो हमारे पास पैसा था, जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारी लाइबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। हमारी जितना हमने बाहर पैसे देने थे, हमारे पास उतने रिजर्व्स ही नहीं थे। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा जिसको खसारा कहते हैं, डेफिसिट करंट अकाउंट का, कि हमारे मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा, यानी कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं आया। इसकी वजह से हमें अगर ये ना मदद करते हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, उस वक्त हमारी ये ना मदद करते, तो ये जो महंगाई और जो मुश्किल वक्त गुजरी हमारी कौम, वो कुछ भी नहीं है जो हमने गिरना था, कि जिस तरह रुपए ने नीचे जाना था। क्योंकि अगर हमें पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में, तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा, उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। तो उस वक्त हमें जो सामना करना पड़ा, एक नई टीम थी, या तो हमारी, हमें तजर्बा होता, हमारी टीम भी नई थी,
और उसके बाद फिर एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से आईएमएफ के पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास, मजबूरी आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं तो जिस तरह कोई भी जो जो जिससे आप कर्जा लेते हैं वो पूछता है कि मेरा पैसा वापस कैसे करोगे, और वो फिर शरायत लगा देता है कि मेरे पैसा वापस करने के लिए आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी क्योंकि बिजली में खसारा है, आपको रुपए की कीमत गिरानी पड़ेगी, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। और जब वो आईएमएफ की आप शरायत पे चलते हैं तो अवाम को तकलीफ होती है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजरती है। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना से पहले भी एक चीज हुई, पुलवामा आ गया। वो मैं सिर्फ पुलवामा में, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, और मैं आज अपनी खास तौर पे अपनी फौज का खास तौर पे उनका इसलिए शुक्रिया उनका अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। क्योंकि जब वो फैसला करना था, और बड़ा एक जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि यह हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा हमारी अवाम, क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, देखिए मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी किया। कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है। और यहां बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे असल, मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ, कि हमें एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम दिलेरी से उनको कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को, कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस जवाब देंगे। अगर हमारी फौज अगर ना होता ये, तो खुद सोच ले कि मैंने पता नहीं क्या मुश्किल वक्त गुजरना था। अच्छा, उसके बाद कोरोना हो गया। अब कोरोना के अंदर आप लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो कितना हमारे लिए मुश्किल वक्त था। एक मिनट बस, एक अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ओके? साथ वालों ने पकड़ के उसको बाहर निकाल देना अगर किया। अच्छा सुना सर, देखें मुश्किल क्या था, हम देख रहे थे बाहर, वहां जनाब स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो उनके हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं, उनके यानी जो मुल्क जिनके पास हमारे से 30-30, 40-40 गुना बड़ा जीडीपी था, दौलत थी, वहां हम हालात देख रहे थे, और वो सारों ने लॉकडाउन किया हुआ था। फिर उधर से देखा जी नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन कर दिया,
तो सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हाँ, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है, लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनका क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है, और अगर और फैल गया हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया और बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम जो भी हो जाए हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में तीन मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, अब मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है, और कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया ईजाद की है इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दलेर कौम है, हम उससे बड़े सब्र से निकले। तो फिर हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच के ये 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। उसके बाद हमारी जो रिमिटेंसेस हैं,
जो बाहर से, और हमेशा ये याद रखे आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है, ये सबसे बड़ा हमारा असासा है। इन्होंने हमें इस वक्त, हमें इस कौम को इनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त से निकाला। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे वो थी 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर, तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आए। अच्छा, फिर जो हमारा, जिस वक्त हम बिल्कुल शुरू में आए तो जब खर्चे कम किए, हमारी इकॉनमी कमजोर हुई, बेरोजगार हो गए। आज देखें जरा हालात, आज हमारे जो इकॉनमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया, इजाफी गया है। और उसके वो नजर आता है कि रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं, और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। और फिर जो हमारे आने से, अब जो मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि हमारा आने में तीन चीजें, हमारा जो स्लोगन है कि इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। तो इंसाफ के लिए, इंसाफ क्या है? इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। मैं जरा सिर्फ आपको समझाता हूं कि इसमें मकसद फर्क क्या होता है। जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वह सब कानून के सामने एक बराबर होते हैं। जब ताकत की हुक्मरानी होती है तो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो पाकिस्तान में, अगर आपको आसानी से आप समझ जाएंगे कि असल में हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या रहा है, और वो है कि यहां रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी नहीं हुई। आसिफ जरदारी 88 से लेकर 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में थी, 90 को उनकी गवर्नमेंट जाती है और नून लीग आ जाती है। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पे। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है, आसिफ जरदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत जाती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल। इसका मतलब क्या कि जब वो ताकत में है तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता, वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। तो देखें, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूं, कोई भी मुल्क ये जेन में डाल लें, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और इसीलिए मदीना की रियासत में जब उनके पास खुशहाली नहीं थी, तब शुरू में बड़ा मुश्किल वक्त था। शुरू के अंदर तो पहले 4-5 साल तो मुश्किल से उम्मत बची थी, जंगे खंदक में, जंगे ओहद में मुश्किल से बचे थे, खाना नहीं था, बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की, कानून से ऊपर कोई नहीं था। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर यही ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए दूसरा कानून, और मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ती है तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और ये बेसिस होता है, देखिए कोई भी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी, उसका बेसिस होता है रूल ऑफ लॉ, और ये ही हमारा मसला है। हम इसलिए ऊपर नहीं, कभी ये देखें, छोटे छोटे चोर जितनी मर्जी चोरी करें, मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं, क्योंकि मुल्क का खजाना तो हमारे हाथ में है। तो करप्शन
आम आदमी की लोगों को तंग करती है, पटवारी की करप्शन, लोग तंग होते हैं उससे या थानेदार की, लेकिन मुल्क जो तबाह होता है जब उसके ताकतवर, उसके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो चोरी शुरू करते हैं। इसलिए सारी दुनिया में आज डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। एक फैक्ट आई रिपोर्ट में बार बार मिसाल देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने एक पैनल अपने नीचे बिठाई और उन्होंने कहा बताओ कि ये अमीर और गरीब मुल्कों में इतना फासला क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फैक्ट आई पैनल की जो रिपोर्ट है उसने ये कहा कि हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1,000 अरब डॉलर चोरी होकर जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में हर साल। ये ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो औरंगजेब के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सालाना आमदनी थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 24% थी दुनिया की जीडीपी, दुनिया का सबसे अमीर खिता था ये, और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर प्रोविंस था। अंग्रेज ने शुरू किया बंगाल से और उसने जब 200 साल हुकूमत करके गया तो बंगाल सबसे गरीब सूबा हो गया अंग्रेजों का, और हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो रह गया 3%, और बरतानिया का जीडीपी चला गया 24%। क्या हुआ? यहां से सारी दौलत चोरी होकर उनके पास चली गई, ये गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। यही आज हो रहा है दुनिया में। डेवलपिंग वर्ल्ड क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर गरीब के फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर और गरीब मुल्कों के, क्योंकि वहां से, क्योंकि उनके पास कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां का पैसा चोरी होकर उनके मुल्कों से बाहर जा रहा है, वो फासले, वो मुल्क गरीब हो रहे हैं। वो जो पैसा खर्च होना है तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चोरी होकर बाहर चला जाता है, और जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है। क्योंकि यहां से अंदाजा, एक रिपोर्ट थी 10 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल यहां से चोरी होकर, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है। तो वो अगर 10 अरब डॉलर ना आप रोक लें तो हमें आईएमएफ से कर्जा ही ना लेना पड़े। तो ये जो हमारा मसला नहीं, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो, ये हमारा फर्ज है। और इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जी मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं, वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। उनकी पूरी कोशिश है कि आपकी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब ना हो और हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए आसान, यहां से मुल्क से पैसा निकाला, बाहर ले गए, बाहर बड़े बड़े घर और प्रॉपर्टीज ले ली। तो मैं सिर्फ अब आपको, हम जब आए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि फर्क क्या पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है कि हमारे आने से पहले। अब मैं जरा दो आपको फिगर्स देता हूं, पंजाब की पहले बताता हूं कि पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। यही नैब थी, यही कानून थे नैब के। नैब ने अपने 18 सालों में, हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। और इसलिए आप देखते हैं बड़ा शोर मचा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमारा दूसरा कोशिश है
हमारा जो मंशूर है वो है इंसानियत। इंसानियत का मतलब ये कि बजाय एक स्टेट जो सिर्फ कानून बनते हैं, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं, सारे कानून, सारी बिजनेस, सारे फायदे एक छोटे से तबके को, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ये हमारी पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया कि हम नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे। और ये हम किधर, ये मदीना की रियासत का असूल था। पहली दफा फ्लाई रियासत दुनिया की तारीख में मदीना में बनाई गई थी। तो हम उसी पर चल रहे हैं और हमने वो प्रोग्राम्स किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। दो प्रोग्राम्स खास तौर पे, एक है हमारा एहसास का प्रोग्राम। हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, इससे पहले 110 अरब रुपया सिर्फ दिया जाता था निचले लोगों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों की। उससे हमने 260 अरब पे ले गए हैं, 110 से 260 अरब पे हमारा चला गया। हमने जो एहसास में, जब कोरोना हुआ तो जो पैसा खर्च किया हमने एहसास पे, वर्ल्ड बैंक ने रेट किया, जो सारी दुनिया में पैसे खर्च कर रहे थे ना कोरोना के दौरान, तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी रेटिंग दी हमारे एहसास के प्रोग्राम को, वो सारी दुनिया में नंबर 3 पे पाकिस्तान था कि सबसे बेहतरीन, शिफाफ और एफिशिएंट तरीके से हमने पैसे बांटे। और एहसास प्रोग्राम के अंदर और भी खास तौर पे मैं, जो हमारी कोशिश है कि अपनी औरतों का हम उठाएं। हमारी औरतें खास तौर पे जो गरीब इलाकों में हैं, जो देहातों में हैं, इनको हमारी पूरी कोशिश उठाने की। और इनको बेहतरीन तरीका उठाने का क्या है, तालीम देना। एहसास प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप्स रखी हैं बच्चियों के लिए, वो बच्चों से ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। और जो हमने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए हैं, वो औरतों को भी 50% है और लड़कों को भी, स्टूडेंट्स को भी, मेल को भी 50% है। कोशिश क्या है, देखिए मैं ये टीवी प्रोग्राम देखता हूं, ये आजकल ये जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप, सारी दुनिया मगरब में, कि जी वो अफगानिस्तान की औरतों की बड़ी बुरी, उनको सबको फिक्र पड़ी अफगानिस्तान की औरतों की, वो जी पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे औरतों को। कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने बाहर से आके किसी मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवाया आज तक, कभी कोई दिलवा सका है? मुझे एक दुनिया में, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे कोई दुनिया में यह बता दें कि जी बाहर से किसी ने मुल्क में आके तो किसी और मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवा दिए। औरतें खुद हुकूक दिलवाती हैं, हमारी औरतों में ताकत है अपने आप को अपने हुकूक लेने के लिए। हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, हमने एम्पावर करना है तालीम दे के। औरतें खुद अपने हुकूक, जो इंग्लैंड में या हुकूक या जो वेस्ट में दिलवाए थे, वो क्या किसी ने फतह करके दिलवाए थे उनको हुकूक? उनकी अपनी मूवमेंट थी, औरतों की मूवमेंट थी, सफ्रजेट्स थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने हुकूक लिए हैं। तो हमारी औरतों के पास, हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जोर है। उसके अलावा भी हमने इनकी कई चीजें, जो गरीब इलाकों में औरतें हैं उनके लिए मुश्किल है, मसलन हमने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट्स निकाले हैं। अब बजाय औरतें, बड़ा मुश्किल होता था उनको जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स को जाके वेरीफाई करना, तो अब वो सिर्फ नादरा ऑफिस में जाएं और वो आराम से उनके लिए हो जाते हैं। और सबसे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनहेरिटेंस लॉज है, औरतों की जो जायदाद मिलनी चाहिए, वो भी पहली दफा हम अब इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, वो भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह उसमें जोर लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे बड़ा हमारा इसके साथ साथ एहसास के साथ प्रोग्राम चलने वाला है, वो कामयाब पाकिस्तान है। इसकी हम पूरी डिटेल्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें जो हमारी 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं, उनके लिए हम चार चीजें करने लगे हैं। सबसे पहले उनको कर्जे, सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे। हर गरीब खानदान में, ये 40 लाख गरीब खानदान है सबसे नीचे, हर गरीब खानदान को, सब उनमें से एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा, उसके बाद एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन,
ताकि वो हुनर सीख सके। हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि एक गरीब घर में, वो तो हम पंजाब में पख्तूनख्वा में तो वो कर चुके हैं, पंजाब में इंशाल्लाह साल के एंड तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके अलावा हां सिद्ध, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, ये सूबे खुद कर रहे हैं, ये हम सेंटर से नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये सारी सूबों में हो जाएगा तो सिंध को भी प्रेशर पड़ जाएगा, सिंध के ऊपर भी, कि उनको भी देने पड़ेंगे हेल्थ कार्ड। और फिर जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो हमने अफोर्डेबल हाउसेज, सस्ते लोगों को घर देने हैं, गरीब तबकों को, जो आज तक कभी पैसे उनके पास नहीं होते घर बनाने के लिए, तो एक गरीब खानदान को हम पूरा सूद, उनको हम वो कर्जे देंगे, यानी जिस तरह के अगर उन्होंने महीने का किराया देना है, वो किराए की जगह वो किस्त हो जाएगी और उनका घर अपना हो जाएगा। किसानों के लिए किसान कार्ड, ये पहली दफा एक अभी पंजाब में शुरू है, ये हमारी सारी इंशाल्लाह जिधर भी आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में भी, इसका मकसद ये होगा किसान कार्ड का कि बजाय किसान के ऊपर वाउचर्स होते थे और बड़े मुश्किल होते थे, उनको पैसा भी नहीं नीचे पहुंचता था, अब उनको कार्ड मिलेगा, उस कार्ड के ऊपर जो भी सब्सिडी है, खाद के ऊपर है, ट्यूबवेल के ऊपर है, कीड़े मारने वाली दवाइयों पे है, और अगर कोई फसल उनकी खराब हो जाए तो डायरेक्ट कार्ड के ऊपर अब हम सब्सिडी देंगे। ये इंशाल्लाह साल के एंड तक पूरा किसान कार्ड सारी जगह चला जाएगा। और किसानों के लिए इसके अलावा 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अगले 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। 2025 में मुमन डैम सबसे पहले बन जाएगी, उसके बाद फिर दासू, और इसका ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले, क्योंकि आगे पानी का बड़ा मसला आ रहा है। और फिर तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को, दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको खास तौर पर मैं दाद देता हूं, बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था, एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किलों से हम एक निसाब लेके आए, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलहदा एक कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये इसलिए जरूरी, मैं इसलिए समझता हूं कि आज जितना ये जरूरी है, कभी मुसलमानों की तारीख में कभी ये जरूरी नहीं था। जरूरी तो खैर हमेशा था, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोई इस कुरान में जब उन्होंने उनको रोल मॉडल बना दिया हमारी बेहतरी के लिए, जो उनको फॉलो करेगा ऊपर चला जाएगा, जो मदीना की रियासत के उसूलों पर कौम खड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी। ये तो अल्लाह ने इसलिए हमें उनकी सुन्नत पर चलने को कहा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को समझ ही नहीं है, ना कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान की उनको समझ नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी वो आसान है बच्चों के लिए समझना, वो तो एक तारीख का हिस्सा है, और उससे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने जो चीजें आजकल देख रहा हूं, ये मोबाइल फोन के बड़े फायदे हैं, टेक्नोलॉजी है, बच्चे कई चीजें अब सीख जाते हैं, नॉलेज वो मिल जाती है जो कभी पहले नहीं थी, लेकिन इसके एक नेगेटिव साइड है, बच्चों को वो मटेरियल अब मोबाइल फोन पे मिल रहा है
कि उनको उनके लिए हैंडल करना आसान नहीं है और इसके बड़े असरात आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर। मैं जब से आया हूं, मैंने जब आईजी से मिलता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि क्राइम के मुझे बताएं कि कौन कौन सी क्राइम बढ़ रही है। सबसे तेजी से क्राइम बढ़ रही है पाकिस्तान में सेक्स की क्राइम, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और फिर जो मैंने ये जो मीनारे पाकिस्तान में देखा, ये हम सब के लिए, ये हम सारी कौम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए और भी जरूरी है आज कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उनको टेक्नोलॉजी भी सिखाएं, लेकिन उनको उनके कैरेक्टर उनको बताएं तो सही कि इंसान होता क्या है। इंसान सिर्फ रोबोट नहीं है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर चलता है, इंसान में इंसानियत तब आती है जब उसको पता तो चले कि मैं अच्छे बुरे की तमीज क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा हिसाब लिया जाएगा। इंसान में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सके कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं जो अभी इब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि सारे बच्चों को हम 8, 9 और 10 के अंदर, जो भी बच्चा है जिस मर्जी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबको सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। और फिर ये जो हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं, बलूचिस्तान पीछे रह गया, हमारा कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था वो पीछे रह गया, वहां भी गुर्बत है, पढ़ाई वहां भी कम है, तो उन सारे इलाकों के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस दिए। बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ गुर्बत के ऊपर स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। हमने 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 9 बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए हमने 1300 अरब रुपया हमने एलोकेट किया है इनको उठाने के लिए। हाँ अच्छा, हम बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा अब मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूं, और ये बड़ा जरूरी है आप सबके लिए कि देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली, सुने चुप करके सुने प्लीज, पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं एक पहली जनरेशन हूं जो हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। और हम जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे अपने मां बाप की हमेशा ये बात याद रही कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमेशा मां बाप ने मुझे ये बताया। और मुझे बदकिस्मती से हमारा जो रास्ता मुल्क का, एक हमारा बहुत अजीम कायद आजम हमारे लीडर थे, मैं हमेशा कहता हूं कि गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद जहन था कायद आजम, लेकिन जो हमारी हमारा जो मुल्क का जो रास्ता था एक खुददार कौम बनने का, बदकिस्मती से ऐसी मुल्क में लीडरशिप आई जिन्होंने दूसरों के सामने हाथ भी फैला दिए, कभी ये ही नहीं सोचा कि हमारी अपनी ताकत क्या है, कभी कोशिश नहीं की अपने पैर खड़े होने की। जब भी एक आदमी, एक इंसान, अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है कि जब हम अपने कोई बसाकियां पकड़ लेते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी ताकत नहीं पहचानते। मौलाना रूमी ने एक दफा कहा कि जब तुम्हें अल्लाह ने पर दिए हैं, चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? जब
हम अपनी ताकत ही नहीं पहचानते और हम लोगों के सामने हाथ फैला देते हैं, हम अपनी इज्जत और वकार खो बैठते हैं। कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता जो दूसरे इंसान के सामने हाथ फैलाता है। और मैं ये 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज लगी वो ये कि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने बुरे थे कि मुझे दूसरे मुल्कों के सामने उनके पास जाके मांगना पड़ा, कर्जे मांगने पड़े। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जो मर्जी आप कर लें, जी मेरा दोस्त है, आप दोस्त तो छोड़ें, आप अपने मां बाप से भी तीसरी दफा पैसे मांगने जाएं तो देखें मां बाप भी थोड़े बदल जाते हैं आपकी तरफ, आपके भाई बहन बदल जाते हैं। ये अल्लाह ने, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ अल्लाह खुश होता है आपसे, इंसानों के सामने हाथ फैलाओ वो आप नीचे गिर जाते हैं उसके सामने। इसलिए हमने ये बड़ा गलत रास्ता ये जो चुना, इसकी वजह से हमने कभी कोशिश ही नहीं की अपना पोटेंशियल कि कितना अजीम, कितना बड़ा तोहफा दिया अल्लाह ने। हर किस्म की चीज है पाकिस्तान में। मैं आपको यह बता दूं, जिस शोबे में आप हम एग्रीकल्चर पे अपने ज़राअत पे जोर डालेंगे उस पे पाकिस्तान उठ सकता है, उसके ऊपर भी कभी तवज्जो नहीं दी। इस मुल्क में जितने मिनरल्स दिए हैं, जो मदनियात हैं, उसके ऊपर भी कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सिर्फ बाहर हाथ फैलाए हुए कि एड आती रहे या हम इंपोर्ट करते रहे, सोचा ही नहीं कि इस मुल्क में क्या क्या है। अल्लाह जो टूरिज्म है, मैं आपको सिर्फ बताऊं क्योंकि मैं दुनिया में फिरा हूं, टूरिज्म में सिर्फ पाकिस्तान इतना पैसा बना सकता है कि अपने कर्जे उतार सकता है, सिर्फ टूरिज्म पे। कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी क्योंकि छुट्टियां उनकी लंदन में थी, किसी को क्या पता कि यहां पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है। इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठ रही थी, नेशनलाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री सारी तबाह कर दी 70s में। हमारे बैंकर्स दुनिया के अंदर, BCCI दुनिया के अंदर 14-15 नंबर पर बैंक पहुंच गया था, यहीं से लोग उठे हुए थे। लेकिन आहिस्ता 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 यहां पहुंच गए कि आप सोचें कि 22 करोड़ का मुल्क है और हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, पिछले 5 साल में जो उनके पिछले वाले नून लीग के 5 साल थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, जो 5 साल पहले थी उनके वो एंड तक उतनी एक्सपोर्ट्स थी। जब मुल्क एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा उसके पास आमदनी किधर से आएगी, कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इस मुल्क में कोशिश ही नहीं की गई इंडस्ट्रियलाइज करने की, डी इंडस्ट्रियल। अभी जो आपने पीछे देखा होगा कि फैसलाबाद में लोगों ने अपनी टेक्सटाइल मिल्स को चेंज करके हाउसिंग सोसाइटी बनानी शुरू कर दी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेन थी वो नीचे चली गई। तो इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस रास्ते पे है, इंशाल्लाह पहली दफा एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारा रेमिटेंसेस जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये याद रखें सबसे बड़ा असासा बैठा हुआ है। अभी तो हमने उनको पूरी तरह मुल्क में माहौल ही नहीं पैदा किया कि वो यहां के इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो माहौल पैदा हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 प्लेस पाकिस्तान ऊपर चला गया है, यानी आसानियां पैदा कर रहे हैं हम बाहर इन्वेस्टर्स के लिए। तो इंशाल्लाह, और बिजनेस कॉन्फिडेंस अभी सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी चैंबर ने जो सर्वे किया है, पाकिस्तान में तकरीबन 108% एक साल के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस ऊपर गया है, कि यानी कि पाकिस्तान के हालात बिजनेस के लिए बेहतर हो गए। तो मैं आप बात करना चाहता, देखें इस मुल्क को हमने अपने पैर पे खड़ा करना है। हमने जो फैसला किया जब हमने कहा कि हम कोई अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे, पहले हमने अमेरिका के साथ शामिल हुए, हम उनके फ्रंट लाइन स्टेट बने, अफगानिस्तान में जहाद लड़ी, पैसे उन्होंने दिए, जहादी हमने ट्रेन किए। जैसे रूसी वहां से सोवियत यूनियन छोड़ के गई अफगानिस्तान, वो भी चले गए अमरीकी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी। उसके बाद 9/11 आया, उनको फिर हमारी जरूरत पड़ गई, अफगानिस्तान में उन्होंने जंग लड़नी थी, उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहा कि जी हमारी तुम्हें जरूरत है। मेरी तरह के लोगों ने कहा कि हमें इस जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, यह हमारी जंग नहीं है।
हमें तो जॉर्ज बुश ने ये नवंबर 2001 में उसने कहा जब उसे जरूरत थी हमारी कि इस बारी हम पाकिस्तान को नहीं भूलेंगे, हम अबैंडन नहीं करेंगे इस बारी पाकिस्तान को। लो जी अमेरिका की जंग में शामिल हो गए, कहा जी हमारी जंग है, पैसे उनसे ले रहे हैं, जंग हमारी है, हमारी हम उनकी मदद कर रहे हैं और वही बमबारी कर रहे हैं हमारे पे। 480 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान के ऊपर। कभी कभी दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि एक मुल्क को अपने ही एलाई बमबारी कर रहा है, यह कभी दुनिया में नहीं हुआ। वो लोग जो बेचारे मरते थे ड्रोन अटैक्स में, वो सारे बदला लेते थे पाकिस्तान से, हमारी फौज से। हमारे इधर फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारे बम धमाके हो रहे हैं। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना, कभी भी, कभी हमने अपने लोगों को इस तरह नहीं हमने कुर्बान होने देना किसी और के लिए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं अप्रिशिएट किया। लोग हमारे मरे, तबाही हमारी हुई, डॉलर हमारा, इकोनॉमी हमारी तबाह हुई, कबायली इलाके के जो लोगों, आधे लोगों ने नकल मकानी की, कबायली इलाके उजड़ गए, क्या मिला उससे? और वो इसलिए कि हमें गलत आदतें पड़ी हुई हैं। हमें जी एड मिल जाएगी, चलो जी मदद कर दो किसी की। तो इसलिए ये जो खुददारी है, देखिए एक इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। तो हमने, हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है कि हमने कोई किसी के साथ, हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। और अफगानिस्तान के ऊपर मैं आखिरी बात कर दूं कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह 300 तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुजदिल हैं वो लड़े नहीं। ये जेन में डाल लें कि अफगान कौम दिलेर कौम है, न डर कौम है, लड़ने वाली कौम है। अगर वो ना होती तो 10 लाख अफगानियों ने शहादत दी थी रूसियों के खिलाफ। कोई कौम इस तरह नहीं लड़ी जिस तरह उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों ये इनकी फौज नहीं लड़ी। थोड़े तालिबान तो 70,000 थे, 3 लाख ये की फौज थी, एयरफोर्स उनके साथ, जदीद हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी? और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े? वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और दूसरी चीज, अफगानियों की एक साइकी है, वो हमेशा जो बाहर से आता है, जो उनके ऊपर फतह करने की कोशिश करता है, वो कौम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो आजाद अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो वो कभी भी किसी एक गवर्नमेंट जो बाहर से अमरीकी उसको बैक कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए नहीं लड़ना था। जिस तरह सोवियत यूनियन, उन्होंने जब पूरी कोशिश की अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, वो फेल हो गए, इसलिए कि वो लोग आजादी चाहते हैं। और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है, उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से? कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हम ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही वो, यही दुनिया चाहती थी।
तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतजार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां। और वो कोशिश करे, अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद करें। मैं अपनी टीम को उसका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सारे एलाइज जितने हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ 3 साल गुजारे हैं, क्यू लीग का, हमारी बैप पार्टी का, अपनी एमक्यूएम का, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जीडीए का सबका, अपने सारे एलाइज का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह आपने हमारे साथ करा, शुक्रिया।